अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उतार नकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पे। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम क्यों होते हैं। आखिर क्या वजूहात हैं कि हम मेहनत भी करते हैं, हम पैसा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम नाकाम क्यों होते हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी नाकामी की वजूहात क्या हैं। पहली वजह है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, थोड़ी लापरवाही बरतते हैं कि यार ठीक है बस कर लिया, चलना होगा चल जाएगा, वरना अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह तो मालिक होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने भी लेनी है। जब तक आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। ये पहली वजह थी। ठीक है, दूसरी वजह होती है कंसंट्रेशन। हम अब कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं, बड़े शौक से मैंने बताया कि हम करते हैं, लेकिन हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, हम उसका सही तरह से जो है ना वो उसको ले चला नहीं पाते, ध्यान के साथ जिम्मेदारी के साथ नहीं चला पाते। तो जब तक हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे अपने वर्क पे, अपने काम पे, तब तक हमारा काम कामयाब नहीं हो सकता, तब तक हम नाकाम ही रहेंगे। और तीसरी मेन वजह क्या होती है, तीसरी मेन वजह होती है कि लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि हम एक काम स्टार्ट कर देते हैं जोश में आके, या कह लें कि किसी ने स्टार्ट किया है, किसी दोस्त ने स्टार्ट किया, तो लो जी मैंने भी यही करना है, बस उसका बड़ा चल रहा है मेरा भी चलेगा, लेकिन हमारे पास उस काम के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें उस काम को स्टार्ट करने के लिए किस किस्म का मवाद चाहिए, किस किस्म का नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज, तो फिर ही जाके कामयाबी मिल सकती है। अगर नॉलेज नहीं है काम के बारे में तो बिल्कुल काम स्टार्ट ना करें, पहले उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें फिर काम स्टार्ट करें। ये तीसरी चीज़ थी। ठीक है, चौथी रीज़न, नुकसान का डर। यानी कि अक्सर होता है कि हम कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम डर रहे होते हैं, अपने अंदर से डर रहे होते हैं कि भाई अगर मैंने स्टार्ट किया पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मेरे सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, आपने जो भी काम स्टार्ट करना है उसको पॉजिटिव होकर सोचें तो काम इंशाल्लाह चलेगा। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं रही, नेगेटिविटी नहीं चलेगी। तो जो भी काम करना है आप ये मत सोचें चलेगा ही नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। जब तक आप ज़िंदगी में अपनी में रिस्क नहीं लेते तब तक कामयाबी नहीं मिलती। मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कामयाबी के लिए, मुश्किल रास्तों से मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं, मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो ये ज़रूरी है। और पाँचवीं रीज़न क्या है कि नाउमीदी। पाँचवीं रीज़न नाउमीदी, आपने नाउमीद बिल्कुल नहीं होना। आपने जो भी काम स्टार्ट करना है उसमें आपने पक्का यकीन रखना है, भरोसा रखना है, अपने आप पे यकीन करके काम स्टार्ट करना है। अगर आपको अपने आप पे यकीन नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए नाउमीदी को जगह दिल में बिल्कुल नहीं देनी, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने पहले भी बताया है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।